हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि EM200 मशीन पे फुली ऑटो एनालाइजर पे ऑटो वॉश कैसे दी जाती है, कैसे हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा EM200 का पैनल खुला हुआ है, सॉफ्टवेयर ओपन है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जाएंगे मेंटेनेंस में। ये आप देख सकते हैं F12 है मेंटेनेंस का, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आ रहा है क्यूबेट रेंस, वाटर रेंस, ऑटो वॉश। तो हमें करना है ऑटो वॉश, तो हम यहाँ करेंगे स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि 18 ml ऑटो वॉश को हमें रखना होगा रिएजेंट पोजीशन 1 पे, और 18 ml ही रखना होगा एल्कली वाले को पोजीशन नंबर 3 पे, और उसमें से हमें 200 माइक्रोलीटर उठा के कप के अंदर पोजीशन 1 और पोजीशन 3 पे रखना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम रख रहे हैं। ये हमारा डोम है, आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, नया लगाया है एसिड वॉश और एल्कली, पूरा नया है, पूरा फिल है अभी। आप देख सकते हो ये ऑटो वॉश AC लिखा है, मतलब एसिड, ये पोजीशन नंबर 1 पे लिखा रखा हुआ है, और ये है ऑटो वॉश, ये रखा हुआ है पोजीशन नंबर 3 पे, ये अल्कली वाला है। और इसी के अंदर से मैंने उठा के 200 माइक्रोलीटर एपिंड ऑफ के अंदर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 1 और 3 पे एपिंड ऑफ के अंदर मैंने लगा रखा है। तो अब इस डोम को हम कर देते हैं क्लोज और स्टार्ट करते हैं ऑटो वॉश। 30 मिनट का प्रोसीजर होता है ऑटो वॉश का। तो ये मैंने लगा दिया है इसके ऊपर, ये इसलिए लगाया जाता है कि जब हम रिएजेंट वगैरह उठाए तो ये हिले ना रिएजेंट और हमारी प्रोब टूटे ना। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ये मैंने क्लोज कर दिया है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने रिएजेंट रखा हुआ है सारा का सारा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको ओके कर देते हैं। ये लिखा हुआ है ऑटो वॉश विल टेक अराउंड 30 मिनट्स टू कम्प्लीट, ये 30 मिनट लेगी। तो हमारा जो है डिस्टिल वाटर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए और क्लीनिंग पूरा होना चाहिए। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, मेरा डिस्टिल वाटर और रिएजेंट काफ़ी है और मेरा वेस्ट जो है वो पूरा खाली है। तो मैंने ओके कर दिया। अब ये 30 मिनट के लिए ऑटो वॉश पे जाएगी। आप देख सकते हैं कि प्रोब्स हिलनी स्टार्ट हो गई हैं, अब ये पूरा ऑटो वॉश देगी इसको 30 मिनट्स का। तो इस तरह से हम मशीन की ऑटो वॉश करते हैं।